ये व्हाट्सअप गाइस रीपर हियर बैक एट इट विद अनदर वीडियो। आज मैं आपको क्लोज कॉम्बैट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और टिप्स बताऊंगा। आर्मर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लोज कॉम्बैट में। आपके पास में एटलीस्ट लेवल 2 का आर्मर रहना चाहिए। अर्ली फाइट में लेवल 1 का चल जाएगा क्योंकि हॉट ड्रॉप में सबके पास में लूट नहीं होती है, बट मिड गेम में सबके पास लूट होती है, तो आपके पास में एटलीस्ट लेवल 2 का आर्मर रहना चाहिए। विदाउट आर्मर आप हेड ऑन 1v1 फाइट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास में आर्मर नहीं है तो बैकअप के लिए आप एक टीममेट को साथ में रखो जो आपका ट्रेड ले सके। क्लोज कॉम्बैट में हाई डैमेज पर सेकंड वाला वेपन बहुत क्रूशियल है। पबजी में हाईएस्ट डीपीएस ग्रोजर का है, बट ग्रोजर ड्रॉप ओनली वेपन है, तो आप वेक्टर या उसी यूज़ कर सकते हो अगर आपका एम अच्छा है तो, क्योंकि वेक्टर का डीपीएस कोई भी एआर से बहुत ज़्यादा है और वेक्टर के बाद आती है उजी। अगर आपको एसएमजी नहीं यूज़ करना है तो आप बैरल यूज़ कर सकते हो या M4 या फिर AK। स्कारल का डीपीएस एआर में सबसे कम है तो मैं स्कारल रिकमेंड नहीं करूँगा। गाइस क्लोज कॉम्बैट फाइट में हेडशॉट्स बहुत इफेक्टिव है और हेडशॉट्स के लिए आपको क्रॉसर को हेड पे प्लेस करना पड़ेगा। अगर आप हेड पे एम करना सीख गए ना तो फिर आपको क्लोज कॉम्बैट में कोई नहीं हरा पाएगा, अनलेस आपका एनिमी भी आपके हेड पे एम कर रहा हो। गाइस ट्राई करो कि फाइट में फर्स्ट शॉट आप लो, मतलब आप पहले डैमेज करने की कोशिश करो अपने एनिमी को। ये तब काम आता है जब आपका आर्मर वीक हो या फिर वेपन एनिमी के पास में बेटर हो। कोई भी फाइट में अगर आप पहले मारते हो तो आप ही वो फाइट जीतोगे, और पहले शॉट लेने के लिए प्री फायर बहुत काम आता है। अगर आप कहीं पुश कर रहे हो और आपका एनिमी टीपी पे ले रहा है या कवर में है तो आप जंप करके शूट करो उस पर। क्राउच करने से आपका बुलेट स्प्रेड कम होता है। जिसको बुलेट स्प्रेड के बारे में नहीं पता है, जब आप फायर करते हो तो आपका बुलेट इंपैक्ट का एरिया जो है ना वो धीरे धीरे बड़ा होता है। आप ध्यान से देखो, आपका क्रॉसर का साइज़ जो है ना वो बढ़ता है जब आप फायर करते हो, तो वो बुलेट स्प्रेड के वजह से होता है। और क्राउच करने से बुलेट स्प्रेड कम हो जाता है बहुत। और क्राउच करने से आपके एनिमी की बुलेट भी मिस होती है, बट वो तब होता है अगर आपका एनिमी हेड पे एम कर रहा हो आपके। बट बहुत कम प्लेयर्स है ऐसे जो हेड पे एम करते हैं, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे बॉडी पे एम करते हैं। और जब आप क्राउच करते हो तो उनके क्रॉसर में आपका हेड आ जाता है और आपको हेडशॉट लग जाता है, फिर आप मर जाते हो। क्राउच सबसे ज़्यादा तब काम आता है जब आपका एनिमी आप पे ADS करके शूट कर रहा हो। तो क्राउच तभी करो अगर आप एनिमी से 20 मीटर से ज़्यादा दूर हो। बट क्राउच का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपकी मूवमेंट स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो आप क्लोज रेंज में क्राउच करने के बाद तुरंत अनक्राउच करो। गाइस प्रोनाइन शूट सभी जगह काम नहीं करता है। कुछ कुछ सिचुएशन है जहाँ आप प्रोनाइन शूट कर सकते हो, जैसे कभी आपका वेपन आपके एनिमी के सामने रिलोड पे आ गया है तो आप प्रोनो के गन स्विच करके तुरंत शूट कर सकते हो एनिमी पे। या फिर कहीं से अचानक से कोई एनिमी आ जाता है तो आप प्रोन हो जाओ ताकि वो जो शॉट्स ले आप पे वो मिस हो जाए और आपको टाइम मिले उस पर बैकफायर करने के लिए। बट एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर आपके एनिमी के पास में कवर है तो आप प्रोन का यूज़ मत करो। वैसे काफ़ी बंदे क्या करते हैं कि जब कोई एनिमी आपके ऊपर पुश कर रहा होता है तो आप सामने चले जाते हो उसके मारने के लिए और कवर छोड़ के, तो ये चीज़ नहीं करना है। आप इसके बदले एनिमी पे शूट करते करते पीछे की तरफ आओ, कवर की तरफ। और कुछ कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि एनिमी और आप दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हो और फिर गोल गोल घूमने लग जाते हो आप एक दूसरे के, तो ऐसे टाइम पे आप अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूवमेंट दो।
गाइस क्लोज कॉम्बैट फाइट में आप मिनी मैप पे ध्यान दिया करो, मिनी मैप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे आप कितने बंदे आपके सामने और किधर है वो फुटस्टेप दिखा देंगे और आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि बंदे किधर है, तो आप मिनी मैप पे ध्यान दिया करो। गाइस फाइट लेने से पहले आप फुल बूस्ट कर लिया करो, क्योंकि अगर आप फाइट के बीच में डैमेज भी लेते हो तो आप ओवरटाइम हील हो जाओगे। और गाइस 90% से ज़्यादा बूस्टेड रहने से आपकी मूवमेंट स्पीड जो है वो 6.2% से इंक्रीज़ हो जाती है, और 60% से ज़्यादा बूस्ट रहने से आपकी मूवमेंट स्पीड जो है वो 2.5% से इंक्रीज़ होती है। क्राउच एंड शूट प्रैक्टिस करने के लिए आप हर एक मूविंग टारगेट पर क्राउच करके शूट करो और तुरंत अनक्राउच करो। हेडशॉट प्रैक्टिस करने के लिए मूविंग टारगेट के हेड पे क्रॉसर प्लेस करके शूट करो। जंप एंड शूट प्रैक्टिस करने के लिए आप जंप करके हर मूविंग टारगेट पे शूट करो। प्रोन एंड शूट प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी मूविंग टारगेट के सामने प्रोन होकर शूट करो। कैसे मैं अभी आपको एक ड्रिल बताऊंगा जिससे आप प्रोन एंड शूट, क्राउच एंड शूट, जंप एंड शूट, हेडशॉट प्रैक्टिस सब कुछ एक ही इसमें कर सकते हो। तो ये चीज़ करो, आप सबसे पहले वाले मूविंग टारगेट पे शूट करो, देन नेक्स्ट वाले इस पे क्राउच करके शूट करो, देन थर्ड वाले इस पे जंप करके शूट करो, फोर्थ वाले इस पे प्रोन करके शूट करो, और बाकी के रिमेनिंग वाले पे एडीएस करके शूट करो। और ये चीज़ ध्यान में रखो कि हर एक टारगेट के हेड पे एम करके शूट करना है आपको। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और ऐसे और भी गाइड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।